हेलो क्राफ्टी पीपल, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्टी फ्लेवर। आज हम बनाएंगे इंडिपेंडेंस डे स्पेशल रेसिपी जो कि है तिरंगा सैंडविच, और वो भी विदाउट गैस और ओवन। बहुत ही इजी रेसिपी है ये। इसके लिए हमें चाहिए होगा 4 ब्रेड स्लाइसेस, 1 स्पून केचप लेंगे और उसे एक ब्रेड स्लाइस पर लगाएंगे। केचप से स्लाइस को अच्छे से फिल कर देना है, पूरे कॉर्नर्स और सेंटर भी। जैसे तिरंगे के बीच का कलर वाइट होता है, ऐसे ही हम ब्रेड स्लाइस को भी वाइट करेंगे। वैसे तो ब्रेड भी वाइट होती है, बट उस पर हम मेयोनीज या फिर बटर लगाकर इसे वाइट कर देंगे। मैं मेयोनीज लगा रही हूँ। 3rd स्लाइस पर लगाएंगे हम हरी चटनी। चटनी आप धनिए की भी बना सकते हैं या पुदीने की, या फिर धनिया और पुदीने को मिक्स करके भी बना सकते हैं। अगर आपको तीखी हरी चटनी पसंद है तो आपको एक टिप देना चाहूँगी, आप चाहें तो चटनी में हींग का अचार डाल के पीस सकते हैं, उससे चटनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। तो लीजिए, हमारे तीनों स्लाइसेस पे तिरंगा रंग आ चुका है। चलिए सैंडविच बना लेते हैं। सबसे पहले रखेंगे हम हरी ब्रेड स्लाइस, उसके ऊपर वाइट मेयोनीज स्लाइस, और उसके ऊपर हम रेड सॉस स्लाइस रख देंगे, और लास्ट में वाइट स्लाइस रखकर इसे कवर कर देंगे। सभी स्लाइसेस के कॉर्नर्स कट कर लेंगे एक साथ, जो ब्राउन साइड होती है ना, बस वही। वैसे तो हम साइड शुरू में भी कट कर सकते हैं, बट मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि उससे क्या होगा, जब हम चटनी और सॉस लगाएंगे ब्रेड के ऊपर तो वो बहुत गीले हो जाते हैं, और जब हम सेट करें तो उसे टूटने के चांसेस हो जाते हैं ब्रेड के। चारों एजेस कट हो चुके हैं, तो चलिए अब इसे सेंटर से कट कर लेते हैं। जैसे डायगनली करते हैं सैंडविचेस को कट, उसी तरह से कट कर लेंगे, जिससे हमारा सैंडविच ट्रायंगल में बन जाए। तो लीजिए, हमारी ये सिंपल एंड क्विक रेसिपी तैयार हो गई। देखिए, बिल्कुल सिंपल है ना, और खाने में ये लाजवाब है। तो इंडिपेंडेंस डे वाले दिन अपने घर में भी आप ये रेसिपी बनाकर सबको सरप्राइज कर दें। इसमें आपको कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, और एक अच्छे लुक और टेस्ट का सैंडविच भी तैयार हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये तिरंगा रेसिपी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन दे कि मैं और रेसिपीज़ बना सकूं। ऊपर आ रहे लिंक पर क्लिक करके आप मेरी और भी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।